हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन गिवन है। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शंस, जिसमें कि कहा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मोर देन वन ऑफ द आंसर गिवन आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड मार्क इट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोट्स। सो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बच्चों, गिवन है हमें चार स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है, स्लाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर इज मच ईजियर देन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। देन स्टेटमेंट टू है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। स्टेटमेंट थ्री इज होलो शाफ्ट इज मच स्ट्रोंगर देन अ सॉलिड रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मास। एंड स्टेटमेंट फोर, इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल रॉड। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट नंबर वन, जिसमें कि हमें लेना है मॉलिक्यूलर लेयर की स्लाइडिंग और इसको कंपेयर करना है कंप्रेशन और एक्सपेंशन से। सो इसके लिए हम मान लेते हैं इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉडी, जिसका कि बॉटम पार्ट फिक्स कर दिया है हम लोगों ने। ये बॉटम पार्ट फिक्स है। अब हम इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है ए बी, उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं एफ। तो बच्चों, ए पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है ए डैश पर और बी पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है बी डैश पर, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ शियर बन जाता है थीटा, जिसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें एक्स डिवाइडेड बाय एल, जिसमें से एक्स है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और जो एल है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिस्प्लेस्ड लेयर। अब बच्चों, अगर हम एक वायर को एक रिजिड सपोर्ट से टाई कर दें और इसमें एक वेट सस्पेंड कर दें हम, जिसको हम दिखा दें एफ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और इसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास में एल। तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं हम कि जब हम लोगों ने स्लाइडिंग करवाई टॉप मोस्ट लेयर की, तो हम लोगों को सिर्फ एक लेयर को कंसीडर करना पड़ा, बट जब हम एक्सटेंशन या कंप्रेशन की बात करेंगे, जिसमें एक्सटेंशन मीन्स वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कंप्रेशन मीन्स वायर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी फोर्स लगाने के बाद। तो यहाँ पर हमें हर लेयर को इस तरह से, हर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि स्लाइडिंग इज मच ईजियर, देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट। अब देखेंगे स्टेटमेंट टू की, जिसमें कहा गया है कि बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड एज द कंप्रेसिबिलिटी। सो बच्चों, बल्क मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस पी वी डिवाइडेड बाई डेल वी से, जो कि है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, और कंप्रेसिबिलिटी को हम मेजर करते हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दिस विल बी डेल वी डिवाइडेड बाय पी वी। यहाँ हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया है, तो हमें मिल जाता है द प्रोडक्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू वन। सो स्टेटमेंट नंबर टू भी करेक्ट है। अब देखेंगे बच्चों स्टेटमेंट नंबर थ्री, जिसमें कि कहा गया हॉलो शाफ्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मास। तो हम कंसीडर करेंगे पहले एक हॉलो शाफ्ट, जिसमें से सेंटर में से मास रिमूव कर दिया गया है, सो दिस इज द हॉलो सिलेंडर, और दूसरी तरफ हम उससे कंपेयर करेंगे एक सॉलिड सिलेंडर को। दोनों की ही लेंथ सेम है, मान लेते हैं दोनों की ही लेंथ क्या है एल और दोनों का मास है एम। अभी जो हॉलो शाफ्ट है, इसमें जो मास है वो बाउंड्रीज पर आ चुका है, बिकॉज हम लोगों ने सेंटर में से मास रिमूव किया और दोनों का मास सेम है। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं एक पॉइंट कि बिकॉज हॉलो सिलेंडर में, हॉलो शाफ्ट में हमें जो मास मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, एजेस पर मिल रहा है। तो जो हॉलो शाफ्ट की स्टिफनेस है, स्टिफनेस ऑफ हॉलो शाफ्ट विल बी ग्रेटर देन, ये ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ, देन द स्टिफनेस ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, इससे ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पर हमने सेंटर से मटेरियल रिमूव कर दिया है। सो इट मीन्स क्या हुआ, ये स्प्रेड हो गया है लार्ज रेडियस में, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो हॉलो शाफ्ट है वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। सो ये भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट फोर है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल रॉड। तो बच्चों, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेते हैं कि हमें ट्विस्टिंग एंगल क्या मिलेगा। तो एज वी नो, जब भी हम शीयर की बात करेंगे, मीन्स चेंज ऑफ शेप की बात करेंगे, तो हमें जो थीटा मिलेगा, दैट इज एंगल ऑफ शीयर, वो क्या मिल जाएगा हमें, दैट विल बी, दैट इज इसमें, जैसे हम लोग फिगर नंबर वन में ऑब्जर्व कर चुके हैं,
एक्स डिवाइडेड बाय एल। सिमिलरली हम इसको सिलेंडर के लिए अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इट मीन्स हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम स्मॉल रॉड लेंगे तो स्मॉल रॉड के लिए क्या होगा बच्चों, स्मॉल रॉड के लिए एल की जो वैल्यू है वो कम होगी, डिक्रीज हो चुकी है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पर बोला हुआ है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड, जबकि यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब ये उल्टा है, लॉन्ग रॉड को ट्विस्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 4 इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। थैंक यू।